ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। इस वक्त हर तरफ चर्चा हो रही है जाति की और जातिगत जनगणना की। चर्चा क्यों हो रही है ये आपको पता है। दरअसल संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र में राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने भाषण में जाति जनगणना सदन से पास कराने को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाया था, उसके बाद अब सत्ता पक्ष की तरफ से इस मामले पर हमला जारी है और इसकी कमान संभाली अनुराग ठाकुर ने। इससे पहले क्या क्या हुआ जल्दी से वो जान लेते हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर संसद में हंगामा बरपा, क्योंकि अपने भाषण में राहुल गांधी ने बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाने की कोशिश की। तस्वीर के बारे में राहुल ने कहा कि फोटो में ना कोई ओबीसी है, ना दलित और ना आदिवासी, और बस इसके बाद इस पर बवाल मच गया। जवाब दिया अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठाए और कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात कर रहे हैं। बस फिर क्या था, अनुराग ठाकुर के बयान पर दिल्ली से मध्य प्रदेश तक सियासी बवाल मच गया और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सियासी पारा हाई होता चला गया। हालांकि अब वो बातें भी सामने आ रही हैं कि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जाति को लेकर सवाल कर दिया था। दरअसल अखिलेश ने अनुराग ठाकुर को संसद में इस मसले पर घेर लिया कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं, जबकि अब राहुल और अखिलेश के वो बयान भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो खुद किसी की जाति पूछ रहे हैं। राहुल ने टीवी पत्रकार से चैनल मालिक की जाति पूछ ली थी। ये वाकया इसी साल 20 फरवरी को हुआ, जबकि बीते साल भी राहुल ने 9 अक्टूबर को पूछा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग दलित और ओबीसी वर्ग से हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी 29 दिसंबर 2022 को एक पत्रकार को कहा था कि अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, तुम पिछड़े हो कि कोई और। इसके अलावा 31 जनवरी 2023 को भी अखिलेश ने कहा था कि पत्रकार अपना नाम बताओ, अच्छा ये नाम है यानी कि तुम शूद्र नहीं हो। इससे पहले सियासी अखाड़े में जाति पर संग्राम जो हुआ वो जान लीजिए। अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा कि कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना में आपको अपनी जाति लिखनी पड़ेगी। इसके बाद जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि आप मेरा जितना चाहें अपमान कर सकते हैं, मैं सह लूंगा, लेकिन जातिगत जनगणना होकर रहेगी, मुझे अनुराग ठाकुर की माफी नहीं चाहिए। अब इधर इसके बाद ये हुआ कि जबकि अखिलेश यादव ने इस मामले को संसद में उठाया, सवाल उठाते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर पूर्व मंत्री हैं, बड़े दल के नेता हैं, वो शकुनी दुर्योधन तक का मुद्दा ले आए, लेकिन आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति नहीं पूछ सकते। उधर बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया और राहुल गांधी खुद ही इसे अपने ऊपर ले रहे हैं। विपक्ष पूरे देश की जाति पूछने की बात कर रहा है, उन्हें अपना स्टैंड साफ करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। अब ये मामला दिल्ली से होता हुआ मध्य प्रदेश भी पहुंच गया। मध्य प्रदेश के नेता भी इस मामले में बयान देने लगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी जाति जनगणना की विरोधी है, जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी उसे मिले उतने अधिकारी, लेकिन बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। इसके जवाब में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग गलत है, क्योंकि इसके जरिए समाज और जाति को लड़ाने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं और बेवजह के मुद्दों को तूल दे रही है कांग्रेस। अब जाति जनगणना को लेकर जो बात हो रही है, तो फिर ये जानना भी जरूरी है कि जाति जनगणना का इतिहास क्या है। ये बहुत दिलचस्प है, आपको ये जरूर जानना चाहिए। दरअसल 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई, इसके बाद 1941 में दूसरे विश्व युद्ध की वजह से जनगणना नहीं हुई। फिर 1951 में पूर्व पीएम नेहरू ने जाति जनगणना कराने से इनकार कर दिया और कहा जातीय जनगणना देश की एकता के लिए खतरा है। इसके बाद 1951 से 2001 तक कोई भी जातिगत जनगणना नहीं हुई, क्योंकि सेंसस एक्ट 1948 में जातिगत गणना की बात का जिक्र ही नहीं है। फिर आया 2011, जिसमें सेंसस एक्ट 1948 में बिना बदलाव के जनगणना कराई और सेंसस एक्ट 1948 की वजह से रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। कुल मिलाकर बजट पर हो रही चर्चा
अब जाति जनगणना पर पहुंच गई और मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। शायद राहुल गांधी भी यही चाहते थे, तभी तो उन्होंने बजट पर हो रही चर्चा में बजट पूर्व हलवा सेरेमनी की फोटो उठाकर जातिगत जनगणना का राग ऐसा छेड़ा कि हर तरफ हंगामा बरपा हुआ है।